अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर मैं जो आपके सामने एक नई होम रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। इस रेमेडी में मैं आपसे बात करूँगी कि आप किस तरह से देगी सालन, देगी गोश्त, देग वाला शोरबा आप किस तरह से घर में बना सकते हैं, यानी ऐसा शोरबा, ऐसा सालन, ऐसी ग्रेवी जिसके अंदर कोई लहसुन प्याज अदरक किसी किस्म का नज़र ना आए और शोरबा भी हमारा काफ़ी हद तक बहुत ठीक हो। तो ठीक शोरबा बनाने के लिए मज़ेदार शोरबा, देगी सालन या आलू शोरबे वाला, आलू गोश्त वाला सालन आप किस तरह से बना सकते हैं, मैंने ये रेसिपी बनाई है चिकन के साथ। आप चाहें तो इसको बीफ के साथ या मटन के साथ भी ये ग्रेवी वाला सालन, शोरबे वाला सालन आप बना सकते हैं। तो आइए अपनी रेमेडी की तरफ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें और कितनी चीज़ें दरकार हैं। रेसिपी की तरफ यहाँ पे मैंने लिया है चिकन और साथ है मेरे पास दो तक टमाटर हैं, छोटी तीन सब्ज मिर्ची हैं और एक मैंने बड़ा आलू ले लिया और ये लहसुन प्याज जो हैं इनको मैंने तकरीबन एक छोटा कप पानी डाल के तो 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर में अच्छा सा गला लिया है। तो जब पानी 5 मिनट के अंदर तकरीबन कप पानी भी खुश्क हो गया और ये भी आप देखें काफ़ी अच्छा सा ये गल गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन जो है इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने डाल लिया है, मसाला जो आप ले लिया मैंने, एक चम्मच के पास नमक है, एक ही चम्मच गर्म मिर्च है, थोड़ी सी मैंने कड़ा ही और गर्म मसाला लिया। चिकन फ्राई करते साथ ही हम क्या करते हैं कि चीनी नमक जो है वो अपना शामिल कर लें। नमक इसके साथ ही शामिल कर लेते हैं। हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें लहसुन प्याज का ये मसाला डाल इसको अच्छा सा भून लेते हैं। टमाटर और सब्जी इसमें शामिल कर लिए, इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए। साथ ही हम ये अपने मसाला जात जो हैं ये इनको भी शामिल कर लेते हैं। टमाटर तकरीबन हम आलू जो हैं वो कवर करेंगे। आलू थोड़े से उसके अंदर फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। मैंने वो आलू चिकन शोरबा बनाना है, शोरबे वाला सालन है, तो उसके लिए एक गिलास के करीब मैं इसमें पानी का ऐड करूँगा। इस पानी में आलू जो है वो भी डल जाएंगे और हमारा अच्छा सा ग्रेवी वाला आलू शोरबे वाला सालन जो है तैयार हो जाएगा। आप ही आलू गोश्त शोरबे वाले बनाना चाहते हैं या आप टिप जानना चाहते हैं कि देगी सालन जो है उसका शोरबा किस तरह से थिक होता है या किस तरह से उनका लहसुन प्याज टमाटर कभी सालन के अंदर नज़र नहीं आया, तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो यकीनन आपको जो है आप अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो आपका भी सालन ऐसे बनेगा जैसे आपका वो देगी सालन है, देगी शोरबा है। ये जो है इसकी टिप यही होती है कि इसमें जो लहसुन प्याज डाला जाता है उसको पहले पानी डाल के थोड़ा सा गला लिया जाए और फिर बाद में इसको सालन बनाते हुए इसमें अगर मिक्स कर लिया जाए तो इससे ये कि हमारा शोरबा जो आ रहा है तो यहाँ पे आप तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर ढक्कन बंद कर लें। इससे ये होगा कि चिकन में जो थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, आलू भी हमारा अच्छा सा गल जाएगा।
और अगर आप ज़्यादा तादाद में बना रहे हैं तो आप शोरबे की तादाद ज़्यादा भी कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने एक ग्लास डाला है वहाँ पे आप अपने हिसाब से इसमें एक ग्लास या दो ग्लास पानी डाल कर भी इसको पका सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए प्रेशर को बंद करते हैं, 5 मिनट के बाद देखते हैं कि हमारा सालन कैसा तैयार हुआ। चिकन शोरबा जो है, शोरबे वाला सालन जो है, शोरबे वाला गोश्त जो है वो हमारा तैयार है। अगर आप भी चाहती हैं कि आप अगर शोरबे वाला सालन बनाएं या ग्रेवी बनाएं, हमारा चिकन शोरबा जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल का सालन है। देखें कि इसके ये कितना अच्छा सा हमारे पास ये ग्रेवी, ये शोरबा तैयार हुआ है। अमूमन होता है कि लोगों को शिकायत होती है कि हमने शोरबे वाला सालन बनाया है तो हमारा शोरबा जो है वो बहुत पतला सा बना है, या शोरबे के अंदर जो हमने जो शोरबा बनाया है उसके अंदर लहसुन प्याज जो है वो अलहदा से नज़र आ रहा है। तो अगर आपके साथ ये मसला है तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें। एक तो ये जायके के हवाले से ठीक होगी, दूसरा जो है देखने में भी इसकी लुक अच्छी आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी, ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।